दिल्ली में रेलवे की जमीन पर बसी 48,000 झुग्गियों में रहने वाले लोगों के लिए एक राहत भरी खबर है। देखिए हमारी खास खबर। दिल्ली में रेलवे की जमीन पर बसी 48,000 झुग्गियों में रहने वाले लोगों के लिए एक राहत भरी खबर है। फिलहाल इन झुग्गियों को हटाया नहीं जाएगा। रेलवे ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि सरकार इस मुद्दे पर विचार कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह 4 सप्ताह बाद सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई करेगा। केंद्र ने उच्चतम न्यायालय को सूचित किया कि फिलहाल दिल्ली में रेलवे लाइनों के साथ 48,000 झुग्गियों को हटाया नहीं जाएगा। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि रेलवे शहरी विकास और दिल्ली सरकार एक साथ बैठकर समाधान निकालेंगे और तब तक झुग्गियों को हटाया नहीं जाएगा। आपको बता दें कि 31 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने 3 महीने के भीतर दिल्ली में 140 किलोमीटर लंबी रेल पटरियों के पास की लगभग 48,000 झुग्गी झोंपड़ियों को हटाने का आदेश दिया था। साथ ही निर्देश दिया था कि कोई भी अदालत झुग्गी झोंपड़ियों को हटाने पर कोई स्टे ना दे। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में कहा था कि रेलवे लाइन के आसपास अतिक्रमण के संबंध में यदि कोई अदालत अंतरिम आदेश जारी करती है तो यह प्रभावी नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अरुण मिश्रा की बेंच ने यह आदेश एमसी मेहता मामले में पारित किया था। रेलवे ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि दिल्ली एनसीआर में 140 किलोमीटर रेलवे लाइन के साथ झुग्गी वासियों का अतिक्रमण है, जिसमें 70 किलोमीटर लाइन के साथ यह बहुत ज़्यादा है, जो कि करीब 48,000 झुग्गियां हैं। रेलवे ने कहा कि एनजीटी ने अक्टूबर 2018 में आदेश दिया था, जिसके तहत इन झुग्गी बस्ती को हटाने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया गया था, लेकिन राजनीतिक दखलंदाजी के चलते रेलवे लाइन के आसपास का यह अतिक्रमण हटाया नहीं जा सका है। रेलवे ने कहा कि इसमें काफी अतिक्रमण तो रेलवे के सुरक्षा जोन में ही है, जो कि बेहद चिंताजनक है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अपने आदेश में कहा कि ये झुग्गी बस्ती हटाने के लिए चरणबद्ध तरीके से काम किया जाए और रेलवे सुरक्षा जोन में सबसे पहले अतिक्रमण हटाए जाएं, जो कि 3 महीने में पूरा कर दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने जोर देकर कहा कि रेलवे लाइन के आसपास अतिक्रमण हटाने के काम में किसी भी तरह के राजनीतिक दबाव और दखलंदाजी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।